अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे चैनल पर बन रहे हैं बीफ पाए और बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट होगी उन तमाम रेसिपी से जो आप ट्राई करते रहते हैं, और ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और इससे बहुत ही अच्छे टेस्ट के पाए बनते हैं, कोई स्मेल नहीं होती है और बहुत ही डिलीशियस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी रेसिपी में जाएगा ऑयल। ऑयल हमने लिया है तकरीबन 3/4 कप के जितना, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है प्याज। प्याज जो है उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, बस इसको ब्लेंडर में डाला था प्याज को और पेस्ट बन गया था। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि प्याज में भी इटसेल्फ काफ़ी पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्याज जो है वो मैंने ऑयल में डाल दिया है और अब इसको जो है हम फ्राई करेंगे जब तक जो है इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आप, प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है, पहले वाइट था, अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये ब्राउन सा शेड हो गया है और प्याज हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ पाए। पाए जो हैं वो मैंने 2.5 किलो के जितने लिए हैं और पाए जो हैं उनकी स्किन मैंने बाज़ार से ही रिमूव करवा दी थी, ठीक है। आप लोग जो है वो बाल जला कर भी घर में पाए खुद से भी कुछ लोग तैयार करते हैं, तो आप बिल्कुल उस तरह से भी तैयार करके कटवा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसकी स्किन उतरवाने के बाद इसको कटवाया था। इस तरह जो है वो आपको मेहनत कम करनी पड़ती है लेकिन टेस्ट जो है वो बहुत ही डिलीशियस होता है, टेस्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है 2.5 किलो के जितने पाए हैं ये मैंने प्याज में डाल दिए हैं और अब हम इसको पूरे 20 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो गए थे इनको फ्राई करते हुए। आप कलर देख सकते हैं, पाए जो है उनका चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि पाए आप जितना ज़्यादा प्याज में पहले फ्राई कर लेंगे उससे जो है इनकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अक्सर लोग पाए बनाते हैं और शिकायत करते हैं कि पाए में से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। उसकी वजह यही होती है कि आप जो है उसको फ्राई नहीं करते हैं, तो पहले प्याज में आपने उसको अच्छी तरह से फ्राई करके स्मेल ख़त्म कर लेनी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप पाए जो हैं उनको बनाने से पहले आधा घंटा सिरके वाले पानी में भिगो के रख दें, बाद में धो के यूज़ करें, तो तब भी जो है वो स्मेल नहीं आती है। लहसुन में इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं टमाटर। टमाटर जो है उनको मैंने बारीक बारीक काटा है, बहुत मोटे मोटे टमाटर मत काटिएगा, ठीक है, वरना उनको जो है वो सॉफ्ट होने में भी टाइम लगता है। और यहाँ पर जी टमाटर शामिल कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद मैं इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। और फ्राई करने के बाद मैं इसको लिड के साथ कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद यहाँ पर हम लिड को रिमूव करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इनका पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और जो पाए हैं उनका कलर भी यहाँ पर बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से मैं 1 से 2 मिनट मज़ीद जो है वो मीडियम फ्लेम पर ही कुक करूँगी। और इस पॉइंट पर अगर मैं आपको इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर पाए की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है, हालांकि मैंने अभी इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं, फिर भी स्मेल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो आपने भी सेम ही रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है। चलिए अब चलते हैं हमारे स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जायफल है और जावित्री है, इनको जो है हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने अच्छी तरह से कूट के पाउडर बना लेना है। और यहाँ पर मेरे पास इसका पाउडर आ चुका है, आप देख सकते हैं हाथ से ही मैंने इसको कूट लिया है, और आप मिक्सर में भी कूट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जी हम ऐड करते हैं, सबसे पहले जायफल और जावित्री से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पाउडर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये तेज़पत्ता है जिसको हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, ये भी शामिल कर दिया है। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, इसके बाद जाएगा गरम मसाला पाउडर, और बाकी के सारे स्पाइसेस में मैं आपको बताती चलती हूँ क्या क्या है मेरे पास। यहाँ पर है लाल मिर्चें हैं, अदरक का पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ठीक है, और नमक है। तो ये सारे के सारे स्पाइसेस एक साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सारे स्पाइसेस डाल लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको कुक करूँगी 10 से 12 मिनट के लिए, ठीक है। फ्लेम जो है वो मीडियम ही है, हल्का फ्लेम मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है।
और अच्छी तरह से अब हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो सारे के सारे स्पाइसेस हैं उनका जो फ्लेवर है वो पाए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए बिल्कुल प्रॉपरली, और जो जायफल और जावित्री है वो एक देगी मसाले होते हैं, तो इनको अगर आप किसी भी सालन में यूज़ करते हैं तो इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बिल्कुल बाज़ार वाले पाए जैसा फ्लेवर आता है। तो आपने उसको स्किप नहीं करना है, वो आपने ज़रूर शामिल करने हैं। यहाँ पर जो है वो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। कलर जो है आप देख सकते हैं पाए का जो है वो अब यहाँ पर चेंज होने लग गया है आहिस्ता आहिस्ता, और मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट के लिए इसको भूनने के बाद जो है अब ये पूरी तरह से मसाले जो हैं वो पक चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको लगाना है वेट ताकि जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। और वेट लगाने के लिए मैं एक बड़े प्रेशर कुकर में ये सारा का सारा जो हमारा पाए का मिक्सचर है इसको शिफ्ट कर रही हूँ, और इसको जो है वो मैं इसके अंदर पानी डालूँगी तकरीबन 8 ग्लास। आप जो है वो अपना जो भी आपका प्रेशर कुकर आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको हाफ तक भर सकते हैं, ठीक है, कि आपका प्रेशर कुकर जो है वो आधा भर जाए पानी का, बस आपने उतना पानी डालना है। नहीं तो अगर आप उसको जो है मैयर करके डालना चाहते हैं तो 8 ग्लास आपकी मैयरमेंट होगी पानी की। तो पानी मैं इसके अंदर अब शामिल कर दूँगी 8 ग्लास के जितना। चलिए जी, पानी डाल लेने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम यहाँ पर मैंने बिल्कुल हाई कर दिया है और इसको मैं एक दफ़ा बॉयल कर लूँगी। यहाँ पर देखिए इसमें एक बॉयल आने लग गया है। अभी इस पॉइंट पर मैं इसको कवर कर दूँगी और वेट लगा दूँगी मीडियम फ्लेम पर। हम इसको वेट लगाएंगे 20 मिनट के लिए, ठीक है। 20 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे, अगर ये कुक नहीं हुए होंगे तो आप दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अगेन वेट लगाएंगे 20 मिनट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको कुक करने के बाद मैंने वेट को ओपन किया था, लेकिन अभी पाए जो है वो पूरी तरह नहीं पके थे तो मैंने दोबारा से 10 मिनट के लिए वेट लगाया था, ठीक है, 1 ग्लास मज़ीद पानी शामिल करके। और उसके बाद ये देखिए पाए यहाँ पर हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँ थोड़ी क्लोज से तो यहाँ पर हमारे पाए जो हैं वो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हुए हुए हैं। अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे हमारे जो पाए हैं उनकी फ़ाइनल लुक। और यहाँ पर बीफ पाए जो है वो मैंने निकाल लिए हैं गर्मा गर्म, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसको मैं फ्रेश जिंजर के साथ और फ्रेश ग्रीन चिलीज़ के साथ गार्निश करने वाली हूँ, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही अच्छे पाए बनते हैं। जिन जिन लोगों को पाए नहीं अच्छे लगते हैं ना वो भी इन पाए के फ़ैन हो जाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है, और बिल्कुल इसी इंस्ट्रक्शंस के साथ रेसिपी ट्राई करिएगा और फिर आप देखिएगा बगैर किसी स्मेल के बहुत ही मज़ेदार पाए बनेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, होगी आपसे फिर मुलाकात किसी नई रेसिपी किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।